नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान आरटी का फॉर्म आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और आप खुद भी इस फॉर्म को अपने घर पर भर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको केवल 3-4 चीजों की जरूरत होगी। दोस्तों, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली चीज है दोस्तों, आपका मोबाइल नंबर, एक आपका ईमेल एड्रेस दोस्तों, इसके साथ साथ बच्चे का एक फोटो दोस्तों, और जिस चीज से आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि एक तो राशन कार्ड आपके निवास के पते के लिए, चाहे तो आप मूल निवास यूज ले सकते हैं पिताजी का, यानी कि बच्चे के पिताजी का लगने वाला है दोस्तों। दूसरा है, यदि आप आय के अनुसार फॉर्म भर रहे हैं या जाति के अनुसार फॉर्म भर रहे हैं या युद्ध विधवा के अनुसार, मतलब जिस बेसिस पे आप फॉर्म को भर रहे हैं उस बेसिस का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और दूसरा, बच्चे का या तो जन्म प्रमाण पत्र या आपका बच्चे का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली इस तरीके से गूगल पे जाके RTE सर्च करना है। दोस्तों, जैसे ही आप RTE सर्च करेंगे ऊपर ही ऊपर में खुलेगी RTE पोर्टल, राइट टू एजुकेशन राजस्थान। दोस्तों, इसकी इस वेबसाइट पर आपको चले आना है। दोस्तों, इस पर आते ही देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है छात्र ऑनलाइन आवेदन। आप चाहें तो ये सारा काम मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं। दोस्तों, छात्र ऑनलाइन आवेदन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए इस तरीके का एक सबसे पहला पेज आपके सामने खुलेगा, जिसमें आप लोगों को देखिए कुछ दिशा निर्देश और नियम बताए गए हैं, जिसमें इस साइड अगर आप देखेंगे तो देखिए पूर्ववर्ती आवेदित बालक, यानी कि इससे पहले जब फॉर्म चले थे मार्च अप्रैल में, दोस्तों कहने का मतलब जिन लोगों ने पहले आवेदन कर दिया था मार्च अप्रैल में, उनको यहीं पर लॉगिन करना है, उनको नया आवेदन नहीं करना है। दोस्तों, और यदि आप अपना मोबाइल नंबर या आवेदन क्रमांक सब कुछ भूल चुके हैं तो नीचे आवेदन पत्र क्रमांक संबंधित मोबाइल नंबर भूलने की स्थिति में क्लिक करें, तो इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ पे क्लिक करने से आपको एक अलग ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप अपने आवेदन क्रमांक नंबर और जाति प्रमाण जन्म तिथि और नाम के अनुसार ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अब यदि आपको नया आवेदन करना है तो सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे एक और नया पेज आपके सामने खुलेगा दोस्तों, जिसमें देखिए कुछ नियम कायदे कानून बताए गए हैं कि 5 विद्यालय आपको चुनने हैं, आपका जो भी प्रमाण पत्र होना चाहिए वो सक्षम अधिकारी के द्वारा होना चाहिए, आपकी सारी डिटेल सही होनी चाहिए, और नीचे आपको निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन से संबंधित जानकारियां मैंने पढ़ ली है, इस पे क्लिक करना है। दोस्तों, और जो ये आगे एरो का ब्लू कलर का निशान है, इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। दोस्तों, ये मेन ओपन पेज है आपका। इस पे क्या करना है, सबसे पहले परिवार से स्थिति की जाति, जो भी जाति है वो चूज कर लेनी है। बीपीएल की स्थिति यदि है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं करनी है। विकलांगता यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं करनी है। अनाथ भी हाँ या ना करनी है। क्या HIV, संरक्षक, कैंसर, बालक, माता पिता, अनाथ किसी भी प्रकार से है, तो सबको यस या नो करना है आपको। दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डेमो फॉर्म ही आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, जन्म तिथि एक चीज मैं आपको बता दूं, बच्चे की उम्र 5 से 7 साल के बीच में हो जानी चाहिए। जैसे कि देखिए, मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2016 अगस्त और 6 ले लेता हूँ। दोस्तों, तो अब मैं इस जन्म तिथि से फॉर्म भरना चाहूं और लिंक पुरुष चयन कर लेता हूँ, परिवार की वार्षिक आय जो भी है, मैं 50,000 यहाँ पे डाल रहा हूँ। दोस्तों, अब यदि आप पात्रता जांच पे क्लिक करेंगे तो ये कह देगा कि बालक की जन्म दिनांक वर्तमान में 5 साल से अधिक और 7 साल से कम होना आवश्यक है, यानी कि बच्चे की उम्र अभी आपकी कम है। दोस्तों, तो आपकी जो बच्चे की उम्र है वो 5 साल से अधिक होनी चाहिए। अब इसी फॉर्म को यदि मैं मार्च कर देता हूं दोस्तों, मार्च और 6 मार्च 2016 कर देता हूं, तो देखिए ये कह रहा है पात्रता जांचे, और इसने कर दिया है कि हाँ, आपके द्वारा भरी जाई जानकारी सही है और आपका बच्चा RTE में एडमिशन के लिए मान्य है। दोस्तों, इस पे क्लिक करते ही देखिए आपको एक बिल्कुल नया पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, यानी कि बच्चे का नाम डालना है। दोस्तों, बच्चे का नाम डाल दिया, इसके बाद आपको बच्चे का आधार कार्ड नंबर भी डालना है। दोस्तों, अब आप आधार कार्ड नंबर सही डालें दोस्तों, और यदि अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो देखिए रेड मार्क नहीं है इसके ऊपर, यानी कि यदि आप 2-4-5 दिन में बनवा लेंगे तो अभी आपका काम चल जाएगा। धर्म कौन सा है दोस्तों, हिंदू है। पिताजी का नाम आपको यहां डालना ही डालना है दोस्तों। इसके बाद पिताजी का आधार नंबर भी ऑप्शनल है, चाहे तो डालें ना चाहे तो ना डालें, लेकिन माताजी का नाम जरूर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, माताजी का नाम डाल दिया आपने, माताजी का भी चाहे तो आधार नंबर डाल सकते हैं। यदि बच्चा किसी और के पास रह रहा है तो आप संरक्षक का नाम और उसका आधार नंबर चाहे तो डाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एक्यूरेट डालना है। दोस्तों, मोबाइल नंबर एक्यूरेट इसलिए डाले क्योंकि इसी पर OTP आने वाला है। दोस्तों, कोई भी ऐसा मोबाइल नंबर ना डाले जो बंद हो, रिचार्ज नहीं हो, कहीं दूर हो, समझ गए आप मेरी बात को। ईमेल एड्रेस आपको बिल्कुल क्लियर वाला डालना है।
इसके बाद आपको देखिए नीचे आ जाना है, आपका जिला चूज करना है दोस्तों। आपका जिला चूज करने के बाद आपको आपका ब्लॉक चूज करना है दोस्तों। ब्लॉक चूज करने के बाद आपका जो भी ग्राम यूएलबी है यानी कि ग्राम पंचायत चूज करनी है। उसके बाद आपको अपना वार्ड चूज करना है दोस्तों। अपना पिन कोड बिल्कुल एक्यूरेट डालना है यहाँ पर, समझ गए आप मेरी बात को। और पूर्ण पता जो कि आपके डॉक्यूमेंट में है दोस्तों, इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट के पते के आधार पर ही आपके बच्चे का एडमिशन होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल, तो जो भी पता है आपका वो डाल देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है अभिभावक बालक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आपके बच्चे के निवास संबंधी आप कौन सा पत्र लगा रहे हैं। बिजली का बिल लगा रहे हैं, पानी का बिल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये पिताजी का लगने वाला है तो यहाँ पर हम राशन कार्ड देने वाले हैं दोस्तों। दूसरा, बालक की आय से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड दे रहे हैं या जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए हम आधार कार्ड दे रहे हैं या जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे जो आपकी इच्छा है, यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो वो दे। और बालक बालिका के दुर्वर वर्ग, यानी कि आप आरटी में एडमिशन किस बेसिस पे लेना चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अनाथ है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा, एचआईवी कैंसर है तो उसका लगेगा, युद्ध विधवा है तो उसका लगेगा। और यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से है चाहे ओबीसी से है, दोनों का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आते ही आपको ये कैप्चा फिल करना है दोस्तों। इस कैप्चा को फिल करने के बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही है और आप सही इसको पात्र कर रहे हैं, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और आवेदन पत्र डाटा सेव करें दोस्तों। ये कह रहा है एंटर ओटीपी। अब आपका जो मोबाइल नंबर है दोस्तों, उस पर आपके पास एक ओटीपी आने वाला है दोस्तों, उस ओटीपी को आपको डाल देना है यहाँ पर। अब आप अपना जैसे ही ओटीपी और बाकी की चीजें डालेंगे दोस्तों, ये इसको कंफर्म कर देगा, कह देगा आपका मोबाइल नंबर, आवेदन क्रमांक सब कुछ सही है और ये आपका ओके कर देगा दोस्तों। इस पे क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे आ जाएंगे, जहां पे देखिए दोस्तों आपको अपना दस्तावेज यानी कि अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होना चाहिए, फोटो की साइज अधिकतम 20 KB होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा फोटो है जो 20 KB से बड़ा है तो पहले उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। फोटो जेपीईजी में चलेगा और जो आपके डॉक्यूमेंट है वो 300 KB से कम पीडीएफ में चलेंगे दोस्तों। समझ गए आप मेरी बात को। अब सबसे पहले आपको विद्यार्थी का फोटो चूज करना है दोस्तों। चूज करने के बाद आपको आपका राशन कार्ड चूज करना है दोस्तों, क्योंकि आपने वहां राशन कार्ड ही सिलेक्ट किया था दोस्तों। राशन कार्ड चूज करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड चूज करना है दोस्तों, आधार कार्ड चूज करना ही करना है आपको। इसके बाद आपको अपने आय का प्रमाण पत्र चूज करना है दोस्तों, तो आय का प्रमाण पत्र चूज कर लिया आपने। इसके बाद आप इनको सुरक्षित करेंगे दोस्तों। सुरक्षित आप इनको जैसे ही करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे दोस्तों, 10-5 सेकंड का। और ये जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे आपके, ये आपको एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा और कहेगा कि दस्तावेज पूर्ण अपलोड हो गए हैं दोस्तों। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और ये जो एरो का निशान है आगे जाने वाला कोने में, इस पे क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पे क्लिक करते ही देखिए आपको है ना 2-3 ऑप्शन खुलेंगे कि ग्राम पंचायत गंगापुर सिटी को तो आप बदल नहीं सकते, आप अपने वार्ड को बदल सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको स्कूल चूज करने हैं दोस्तों कि कौन कौन से स्कूल आपके ग्राम पंचायत में पढ़ रहे हैं, केवल उन्हीं स्कूलों का नाम यहाँ पर खुलेगा। यदि 5 से ज्यादा स्कूल आप चूज नहीं कर सकते, मेरे यहाँ पर तो 3 ही विद्यालय है मेरी ग्राम पंचायत में, तो आप चाहे तो इस पे ऐड पे ऐसे क्लिक करके और इसको ऐसे ओके करेंगे और देखिए ऐसे ऐड करते हुए क्लिक करते जाइए दोस्तों। आप चाहे उन विद्यालय को चूज करें, जिनको ना चाहे उनको चूज ना करें दोस्तों। ये तीनों ही हिंदी मीडियम के हैं और पहली क्लास में इसका आवेदन होने वाला है। देखिए यहां से मैंने इनको चूज कर लिया है और इसके बाद मैं इसे आगे पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप यह देख सकते हैं कि उन विद्यालयों का डिटेल और विवरण आ चुका है। मैं वापस से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पर, और आप यहाँ देखेंगे कि जो भी जानकारी थी दोस्तों पूरी बिल्कुल प्रीव्यू के माध्यम से मुझे दिखाई दे रही है। अब ये कह रहा है और अधिक स्कूल चयन जोड़ने के लिए वापस जाएं, यानी कोई भी आपको प्रिंट में या कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आपको उसको वापस जाना है दोस्तों। और यदि आपको आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करें, तो यदि आपको ये करना है तो आप इस आवेदन पत्र को यहाँ से सुरक्षित और लॉक कर सकते हैं और आपके बच्चे का फॉर्म डन हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से आपको अपना फॉर्म चाहे तो खुद भर सकते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। एक चीज और मैं बता दूं, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड करने हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप स्कूल में दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो आपसे
सही दस्तावेजी मांगेगा, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि उसके अंदर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ग्राम पंचायत और यूएलबी के विद्यालय ही चूज करें, गलती से भी किसी दूसरे ग्राम पंचायत या दूसरे क्षेत्र का विद्यालय चूज ना करें, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा दोस्तों, मैं क्लियर आपको बता देता हूं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ अपने बच्चे का आरटी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।